किसी भूखे को खिला देना अच्छी बात है, ध्यान देना, युक्ति की बात चल रही है। किसी भूखे को खिला देना अच्छी बात है, किसी नंगे का तन ढक देना अच्छी बात है। पर बाबा नरेंद्र सिंह जी कहते थे, अच्छी बात है, बड़ी बात नहीं। बड़ी बात क्या है? किसी टूटे हुए को गुरु के चरणों से नाम से जोड़ देना। प्यार से बोलियो, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुझसे युक्ति पूछ रहे हैं कि क्या युक्ति है। मैं सबसे बड़ी एक युक्ति आपको बता दूं, सबसे बड़ी युक्ति, चाहते हो गुरु नानक के दोनों हाथ सर पे आ जाएं, चाहते हो कि दिनों में अवस्थाएं मिल जाए, तो एक युक्ति है, कोई मान ले। फतेह सिंह वाली साखी सबने सुन रखी है, मेरे ख्याल से सारी संगत सुनती है कीर्तन, जो ढोल बजाकर उठाता था लोगों को। हर से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे गए हुए सुख दिनों में वापिस आ गए उसके। एक जमींदार था, भिखारी बन गया। बाबा नंद सिंह जी ने कहा, जुगति पूछने गया कि जुगति बताओ कि मेरे गए हुए सुख वापस आ जाए। तो बाबा नंद सिंह कहने लगे, जुगति है तो सही, मुश्किल है। पर कहने लगे, बताओ कौन सी जुगति। तो कहने लगे, ढोल गले में डाल ले या घंटा ले ले, 2 बजे उठ जा, सारे गांव में 2:30 बजे घंटा बजा के उठ, जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दा वेला। ये जोर जोर से एक एक दरवाजे पे खड़े होकर घंटा बजा के ढोल बजा के गा। वो कहने लगा, महापुरुषो, ये सब करूंगा तो कोई आके पीटेगा, रात को 2:30 बजे जिसके दरवाजे पे जाके ढोल बजाऊंगा वो तो गालियां देगा। बाबा नरेंद्र सिंह जी कहने लगे, हाँ हो सकता है गालियां दे, हो सकता है पीटे भी, पर अगर कुछ लोग उठकर बैठ गए तेरे उठाने की वजह से, तो तेरे पुण्य इतनी जल्दी बढ़ जाएंगे कि जन्मों के तेरे गए हुए सुख दिनों में मिल जाएंगे। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि खुद उठना और बात होती है, दूसरों को जगाना इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और उसने यही किया साथ संगत जी, ढोल लेकर बैठ गया और क्या कर रहा है, आओ गा भी लें। उठ जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दा वेला। उठ जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दा वेला। उठ जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दा वेला। उठ जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दा वेला। ओ नाम जपन दा वेला, 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 नाम जपन दा वेला। उठ जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दा वेला। उठ जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दा वेला। ढोल बजा रहा है, कईयों ने धक्के मारे, कईयों ने गालियां दी, कईयों ने पीटा भी साथ संगत जी, पर कईयों ने विचार किया, बात तो सच्ची कह रहा है कि अमृत वेले का समय है, सोने का समय नहीं है। कुछ ही दिनों में इतिहास में लिखा है कि आधा गांव उठकर बैठने लगा। ये गांव का नाम है जगरावा। प्यार से बोलियो, धन गुरु नानक, धन। लुधियाना के पास में है, और इसका सबूत है कि आज भी, आज आधुनिक युग में, उसके गए हुए सारे सुख दिनों में वापस आ गए। साथ संगत जी, बड़ी लंबी, सबने सुनी हुई है ये सारी साखी। इसके साक्षात प्रमाण आज भी हैं, आज भी आधुनिक युग में इनका परिवार कनाडा में जाके बस गया है, फतेह सिंह का परिवार। पर उस परिवार में से कोई ना कोई आकर यहाँ पर रहता है, और आज भी 2:30 बजे उठकर घंटी बजाकर सबको जगाते हैं। तो लोगों ने कहा, भाई अब तो आधुनिक समय, फ़ोन करके उठा दो, कनाडा से भी उठा सकते हो, यहाँ पर आके रहते हो बारी बारी से। कहने लगे, नहीं, हमारे दादाजी परदादाजी ये बात कह गए थे कि जो कुछ मिला है इस सेवा से मिला है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस सेवा को छोड़ना नहीं। आज भी इनके कुल के लोग अमृत वेले लोगों को जाके उठाते हैं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। टीम बना लो, टीम बना लो, जितने लोग बैठे हो बाहर, सेवादार बिठा दो, सब अपने फोन नंबर देके जाए, आपस में बांट लो फोन नंबर, सुबह उठाओ, गाड़ियों की सेवा करो, घर घर में जाके लेकर आओ। ये ऐसी सेवा है, जन्मों के पुण्य दिनों में बन जाएंगे, इससे बड़ी कोई युक्ति नहीं है। मुझे महापुरुषों ने कहा था, साथ संगत जी, पूर्ण महापुरुषों, बाबा खेम सिंह जी की संगत हुई दास को, वचन किए थे पूर्ण महापुरुषों ने,
कि कमरे में बंद हो जाए एक साल के लिए, ना कुछ खा ना कुछ पी ना किसी से बात कर ना ही सोना है, ऐसा कर सकता है सिर्फ नाम जपे? मैंने कहा नहीं। कहने लगे कोई भी नहीं कर सकता, पर अगर कोई कर ले एक साल तक कमरे में बंद हो जाए, ना कुछ खाए ना कुछ पिए ना किसी से मिले ना बात करे ना सोए, केवल नाम जपता रहे, अगर उसके पुण्य एक तरफ रख लो और किसी एक को अमृत वेले से जोड़ दो, एक बराबर है। ये जुगती सबके लिए है, सबके लिए। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की, जो आप जपे अवरा। ये सबका मिशन है, सबका। कर कर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा विसोए, गुरु नानक का मिशन था जो हम सबको आगे लेके जाना है। ये मेरे अकेले करने से पूरा नहीं होगा, सारी संगत का सहयोग चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हाथ जोड़कर बेनती है, जिनके ऊपर गुरु नानक ने कृपा कर दी है, अमृत वेला बख्श दिया है, वो इस मिशन को हाथ में ले लें अपने, कि जो सोए रह गए अभी तक उन्हें उठाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तरस करो उनके ऊपर जो सोए हुए हैं, उनके भी दुख दूर हो जाए, वो भी जोड़ने वाले बन जाए। बाबा नानसिंह जी कहते थे, किसी भिखारी को दान देते हो 100 रुपया 200 500 खत्म हो जाएंगे, खिलाओगे खत्म हो जाएंगे। कहते थे उसे नाम से जोड़ दो, कर्म बदल जाएंगे, वो भीख मांगने वाला देने वाला बन जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये है नाम की ताकत।